Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 4, chapter 5, food and digestion. If you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon to get latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page, the link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's video. सो दिस इज पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर फाइव सो लेट इज फर्स्ट गो थ्रू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर देअर सर्वाइवर फूड गिवस दैम एनर्जी टू डू वर्क इट कीप्स दैम हेल्थी इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्राम डिजीजेस तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए फूड चाहिए और फूड उन्हें क्या करती है फूड उन्हें एनर्जी देती है काम करने के लिए उसे हेल्दी रखने रखती है और डिफरेंट डिजीजेस को भी प्रिवेंट करती हैं नाउ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज वीट राइस पल्सेस वेजिटेबल्स फ्रूट स्पाइसिस एडिबल ऑयल्स दीज फूड और द फूड वी ईट कंटेन सम एसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिय तो हम बहुत तरीके के खाने खाते हैं लाइक like वीट है, खाते हैं देन राइस वी ईट पल्सेस हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं स्पाइसेस खाते हैं एडिबल ऑयल्स खाते हैं अब ये सब जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें एक बहुत ही एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन एसेंशियल सब्सटेंस को क्या कहते हैं दोज आर कॉल न्यूट्रियस ठीक है देन वाट इज बैलेंस्ड डाइट देन जो कि हम खाना खा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ डाइट प्रॉपर जो हम मील कंज्यूम कर रहे हैं उसको कहेंगे डाइट तो बैलेंस्ड डाइट क्या है अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट तो जो हम खाना खा रहे हैं जो हमारा फूड है दैट इज द डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं अब ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी सही मात्रा में प्रेजेंट हो उसे कहेंगे बैलेंस डाइट तो न्यूट्रिएंट्स कैसे क्या क्या है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया प्रोटीन्स हो गया फैट्स हो गया विटामिन एंड मिनरल्स हो गए तो ये सब जो है दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ईच ऑफ देम इन मच मोर डिटेल इन अब फर्दर चैप्टर सो फर्स्ट लेट इस गो थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स तो डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स चॉकलेट्स एंड स्वीट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट फूड टाइप्स में प्रेजेंट है जैसे कि स्वीट हो गया चॉकलेट वेजिटेबल्स इन सब में क्या है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी हैं बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क ठीक है वो हमें काम करने की एनर्जी देता है इसीलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है और इसी वजह से दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स ठीक है अब पीपल हु डू फिजिकल एक्सरसाइज नीड अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स इन टू फॉर्म्स शुगर एंड स्टार्च तो जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उन्हें क्या उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वो हमें पता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है कार्बोहाइड्रेट है तो इसीलिए जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऐसा खाना खाए वो एक ऐसा डाइट कंज्यूम करे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में हो तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स दो फॉर्म में मिलते हैं दैट इज ऑफ शुगर और एक स्टार्च ठीक है अब राइस व्हीट मेज पोटैटोस दीज आर ऑल रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेते हैं तो दैट कैन मेक अस फैट टू मच इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन मेक अस फैट तो इसीलिए हमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करना है उससे ज्यादा नहीं करना ओके हियर यू कैन सी पिक्चर क्या है वो हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में वो हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है अब चिल्ड्रेन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन चिल्ड्रेन को बच्चों को प्रोटीन वाले खाना प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाना चाहिए क्यों खाना चाहिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में हैं तो जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि प्रोटीन हमें हेल्प करता है ग्रोथ में इसीलिए बच्चे जो कि ग्रोइंग स्टेज में हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए सो दैट दे ग्रो प्रॉपरली नाउ okay. इट also helps इन रिपेयर ऑफ वोन आउट सेल अब अगर कहीं पर हमें चोट लग जाती है तो वहां के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो ये प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है उन सेल्स को फिर से रिपेयर करने में ठीक है नाउ the आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन can यू कैन सी आई हैव गिवन also for फॉर sources ऑफ प्रोटीन Here यू कैन सी सम प्लांट sources. यर यू कैन सी एनिमल सोर्सेस लाइक पर्सेस पीस बीन्स चीज एग फिश एंड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन तो प्रोटीन को और क्या कह सकते हैं प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कह सकते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी बिल्डिंग में हमारी मदद करता है ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फैट्स फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी ठीक है फैट भी क्या करता है हमें एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है दे प्रोवाइड मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट फैट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी टू कीप अस तो कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है बल्कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा करता है और ये जो फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है सो दैट दे कैन मेक अस फील वॉर्म हमें गर्म रखने के लिए ठीक है सो so, क्या क्या सोर्सेज है यर यू कैन सी द इमेज इमेज ऑल्सो ऑयल नट्स बटर घी आर फैट रिच फूड बट वी शुड टेक फैट्स ऑनली इन लिमिटेड क्वान्टिटी टू मच ऑफ फैट सॉरी टू मच ऑफ ऑयल्स और ऑयली थिंग्स व्हिच कंटेन एक्चुअली फैट्स मेक अस फैट एंड ओबीज तो हमें जो है फैट्स को बहुत ही लिमिटेड मात्रा में ही कंज्यूम करना चाहिए अगर हम ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे जिसके अंदर फैट्स हैं तो वो हमें क्या करेगा हमें मोटा कर देगा एंड दैट विल कॉज अ ओबीज वो मोटापा हमारी बॉडी में ले आएगा ठीक है फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड कहलाएगा ठीक है नेक्स्ट न्यूट्रेंट वी विल टॉक अबाउट दैट इज विटामस एंड मिनरल्स तो विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस हेल्थी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस दे हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ बोन एंड ब्लड we need vitamins and minerals in small quantity but we must take them regularly ab vitamins or minerals kya karte hain wo fight karte hain disease ke against aur hame healthy rakhte hain ये हमारी body में teeth, bones, blood इन सब का formation में भी हमारी help करती हैं जैसा कि विटामिन और मिनरल्स है विटामिन और मिनरल्स क्या है वो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए बट दे शुड बी प्रोवाइडेड इन सफिशेंट क्वान्टिटी बट वो जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है चाहे कि वो कम मात्रा में चाहिए बट स्टिल इट शुड बी प्रोवाइडेड इन अ प्रॉपर क्वान्टिटी एंड रेगुलरली ठीक है क्या क्या सोर्सेज है या फिर क्या क्या ऐसे प्रॉपर uh, सम मिनरल्स हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोज आर सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम आयरन पोटैशियम आयोडीन एंड सॉल्ट आर एसेंशियली नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क एंड एग्स अब जो जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है हमारी बॉडी को जो चाहिए दैट इज़ कैल्शियम आयरन पोटेशियम ये सब एक ऑल दीज कम अंडर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए ठीक है और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जहाँ से हमें विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं दोज़ आर फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क एंड एग्स तो जैसा कि हमने जस्ट देखा कि विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं बाय फाइटिंग विद डिजीजेस बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस तो इसीलिए विटामिन मिनरल्स को क्या कहा जा सकता है प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम डिजीजेस ओके नेक्स्ट देर आर टू मोर न्यूट्रिय दोज आर प्रेजेंट इन अवर फूड दोज आर राफिश एंड वॉटर रेफेज एंड वाटर। तो रफेज के बारे में पहले देख लेते हैं रफेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड रेफेजेज आर प्रेजेंट इन द फूड दे आर नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड बट दे हेल्प इन इट्स डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट तो रफेज़ क्या है वो भी हमारे प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है जो खुद डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन वो दूसरे खाने के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो so, क्या क्या सोर्स है रफेज़ के रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ रफिज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ओके नेक्स्ट इज वाटर दैट वी नो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वॉटर वी लॉस वॉटर वेन वी स्वेट पास यूरिन एंड इवन वेन वी ब्रीद आउट तो हमारी बॉडी बहुत वाटर लॉस कर देती है जब हम स्वेट करते हैं या यूरिनेशन के थ्रू या फिर जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो विथ दैट गैस देयर आर फ्यू वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हम ब्रीद आउट कर देते हैं तो वाटर हेल्प्स इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ठीक है मतलब क्या करते हैं वाटर हेल्प करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में और वो हमारे डाइजेस्टिव जूस का भी एक पार्ट होता है जिससे कि हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके ठीक है तो हमें वाटर को सही क्वांटिटी में एवरी डे इनटेक करना चाहिए तो वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट हाउ मेनी ग्लासेस 6 to 8 glasses of water every day. Okay? So, students, that was all about the balanced diet and the nutrients. Those are present in a balanced diet that our body needs. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.